अस्सलाम वालेकुम। आज हम बोरक बनाएंगे। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें यहाँ पे मेरे पास कीमा है एक पाव, बीफ का कीमा एक पाव। आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, मटन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल लिया है हमने जितनी ज़रूरत हुई। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून चाहिए। यहाँ पे मेरे पास एक प्याज थी बड़ी साइज़ की, उसको मैंने क्यूब्स में छोटे छोटे काट लिया है। और यहाँ पर हमारे पास हरी मिर्च है एक बड़ी थी, उसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास नमक है 2 टेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के, और कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने समोसे की रोल की जो पट्टियाँ जो आपको मिल जाती हैं बेकरी से, वो ली हैं दर्जन। और ये मेरे पास लूज़ बॉटम पैन है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी लूज़ बॉटम यूज़ करें, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप दूसरा पैन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको ग्रीस करने लगी हूँ। और मैंने एक अंडा भी लिया है बीट करके, ये हम ऊपर से इसको जब कर लेंगे तब हम करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं अपने पैन को। मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। और मैं इसकी कुकिंग में मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप इसको बटर से भी, घी बटर लेके उसमें भी आप इसके जो मिन्स है, जो कीमा जो हमें तैयार करना है वो भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे समोसे की पट्टी लेके इसको मैंने नीचे सेट कर दिया है, उसके ऊपर मैं दोबारा से ऑयल लगा रही हूँ। ये आपने हर पट्टी के बाद करना है। आपने एक रोल की पट्टी रखी, उसके ऊपर ऑयल लगाया, फिर दूसरी रखी, और दो 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 पट्टियाँ जाएंगी रोल की, फिर उसके बाद आपकी फिलिंग जाएगी। इसके अलावा मैंने मोज़रेला चीज़ भी ली है 1 कप, वो भी हम बीच में डाल देंगे, वो ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। ठीक है, मैंने दूसरी पट्टी रखी। अब मैं इसको ऊपर भी ऑयल लगा के और इसको भी हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ये करेंगे तो आप इससे फिर आपकी जो समोसे की या रोल की जो पट्टियाँ हैं वो क्रिस्पी होंगी, जो कि होनी चाहिए। अब हम एक पैन में ऑयल डालेंगे 2 to 3 टेबल स्पून। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपने, बस 2 से 3 चम्मच। अब गर्म हो गया ऑयल हमारा, इसमें मैंने प्याज डाल दी एक स्लाइस की हुई और हरी मिर्च डाल दी है। अब इसको हम सौते करेंगे इतनी देर के हमारी जो प्याज है वो नरम हो जाए। हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, सिर्फ इसको नरम करना है। फुल आँच पे ये सारा होगा, तेज़ आँच पे आपने इसको पकाना है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 टेबल स्पून, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। और अब हम कीमा डाल देंगे। कीमा मैंने बीफ का यूज़ किया, आप चिकन ले लें, मटन ले लें, जो भी आपको, आप इसमें आप इसको फ़िश से भी बना सकते हैं, बोनलेस फ़िश लेके उसको कीमा करके उससे। मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फुल आंच पे, तेज़ आंच पे पकाना है आपने, ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ज़रा सा भी इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें कीमा जो आप पकाएंगे उसमें आपका ज़रा सा भी पानी रह जाएगा तो जो आपकी पेस्ट्री है यानी जो डो है जो कि क्रिस्पी होनी चाहिए वो क्रिस्पी नहीं होगी बल्कि वो नरम हो जाएगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो आपका कीमा है वो बिल्कुल ड्राई हो। मैं इसको अच्छी तरह से फुल आँच पर पका रही हूँ। आप इसको बटर में भी बना सकते हैं, बटर से भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जी, तो हमारा जो कीमा है वो तैयार हो गया। अब हमने जो पेस्ट्री जो डो सेट की थी उसके ऊपर मैं कीमा डाल रही हूँ। हिसाब से आपने डाल लेना जितना आपको लगता है कि सही है उतना। जी, तो कीमा मैंने डाल दिया है एक पे और इसको ज़रा फैला लेते हैं हम अच्छी तरह से। कीमा जो है वो मैंने ठंडा कर लिया था, बिल्कुल गरम गरम कीमा आपने नहीं ऐड करना है, क्योंकि अगर आप गरम गरम कीमा ऐड करेंगे तो उससे जो स्टीम निकल रही होगी उससे आपकी डो नरम हो जाएगी। अब ये मैं बस चीज़ है, चीज़ ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं, आप पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेचनेस के लिए। अब हम दोबारा से इसके ऊपर अपनी जो पट्टी थी, रोल की पट्टी कह लें, फाइलो डो कह लें, समोसा पट्टी कह लें, जो भी आप उसको नाम दे लें, ठीक है, ये आपको आसानी से मिल जाती है। और ये देखें मैंने इसको ऊपर सेट कर दिया। अब हम इसके ऊपर ऑयल से ब्रश कर लेंगे। अच्छी तरह से ब्रश करना है कि उसके कोई भी जो डो है उसके वो रह ना जाए।
अब दोबारा से कीमा डाला है, दोबारा से चीज़, दोबारा से हम उसके ऊपर शीट डालेंगे और ऑयल, और दोबारा से उसको कर लेंगे। सेम प्रोसीजर को आपने बार बार रिपीट करना है। अब मैं साइडों से जो है वो पहले अंदर कर रही हूँ ताकि जब हम इसको निकालें तो हमारी जो शेप है वो उसकी बोरे की वो ज़रा अच्छी आए। जी तो ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर एक्स से ब्रश कर रही हूँ ताकि हमारे उसके ऊपर गोल्डन अच्छा प्यारा सा कलर आ जाए। जी तो ये हमारी जो मैंने देखे हमारा जो बोरक है वो तैयार हो गया है। इसको मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको 20 से 25 मिनट तक के लिए बेक करना है, ठीक है। अब आपके ओवन पे इसलिए ज़्यादा भी देर लग सकती है इसमें। जी तो ये देखें हमारे जो बोरक है वो कितना ज़बरदस्त है, तैयार हुआ है हर लेयर और क्रिस्पी। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके।